हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइंड्स एसक्यूएल सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माई सीक्वल की। माई सीक्वल के अंदर रोल बैक कमांड एक होता है। अब रोल बैक आमतौर पर आप सीख नहीं पाते, या फिर अगर आपको पता नहीं है या आपके टीचर्स ने नहीं बताया है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, रोल बैक आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल हमारे पास है, ठीक है, जिसमें कुछ डेटा है। अब इसे मैंने चलाया है सेलेक्ट कमांड का यूज करके, तो यहाँ पर ये आया हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम ये चाहते हैं ना कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एडमिशन नंबर है 2715। तो 2715 का जो एडमिशन नंबर है इसे अगर हम अपडेट कर दें, और अपडेट करके एडमिशन नंबर वाले का जो क्लास है वो 12th है, तो अगर हम इसे चेंज कर देते हैं तो चेंज करने के बाद जो रोल बैक का यूज है वो हमें समझ में आएगा। तो रोल बैक क्या काम करेगा वो अभी आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लास 10 अगर आप कर देते हैं तो ये तो 10 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसे दोबारा से चलाता हूँ तो फिर तो ये हट जाएगा, लेकिन इसको हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अपडेट कमांड चला करके इसे अपडेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं अपडेट कमांड चलाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं अपडेट, और टेबल हो जाएगा तो ये समझ जाएगा कि ये टेबल की ही बात हो रही है। और यहाँ पर कंडीशन देनी होती, तो यहाँ पर ये कमांड हमने चलाया है, और इस कमांड के चलाने से हमारा जो टेबल है इसमें देखिए यहाँ पर जो 12 आ रहा था वो 10 में अब तब्दील हो चुका है, देख सकते हैं 27-15 था। तो अब रोल बैक का क्या यूज है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि रोल बैक का क्या यूज है। तो अगर मैं यहाँ पर रोल बैक का यूज करता हूँ तो क्या फायदा होगा, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर 27-15 में ये जो है क्लास को 10 सेट नहीं करना था, यहां पर तो 12 ही रहना था। यहां पर जो है, यहां पर देख सकते हैं 29-17 ये जो एडमिशन नंबर है, ये जो बच्चा है जिसका नाम कि तरुण है, जिसका कि एडमिशन नंबर 2917 है, इसमें 10 करना था और ये गलती से हो गया। तो अभी हमें इसे रिवर्ट करना है। रिवर्ट करना यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसे हटा देना है। तो इसके लिए आप रोल बैक यूज करते हैं, समझ आ रही है बात। अब चलिए इसको यूज भी करके देख लेते हैं कि ये यूज कैसे होगा, ठीक है। यहां पर हमको खाली रोल बैक चलाना है तो यहां पे लिखेंगे ROLL, और ये देखिए रोल बैक आ भी रहा है, तो यहां पे रोल बैक लिख के टर्मिनेशन दे देंगे, तो जितना भी हम चलाए होंगे ना वो सब रिवर्ट हो जाएगा। यानी देखिए ये वापिस से जो है 12th बन गया, यानी इसके पहले क्या था 11th था, जाहिर सी बात है था ही था, क्योंकि यहां पर हमने चेंज कर दिया था। अगर मैं फिर यही चेंजेस करता हूं अपडेट के माध्यम से, यहां देखिए फिर अगर यही चेंजेस कर देता हूं, यानी कि ये जो डेटा है ना जो कि क्लास 10th जो है ये मैं अपडेट कर रहा हूं एडमिशन नंबर 2715, तो देखिए 2715 में 12 अपडेट हो गया था, लेकिन 12 को हटा करके मैंने फिर क्या किया था, फिर यहां पर 10 कर दिया था क्लासेस का, ठीक है। तो फिर अगर मैं इसी को चला दूं तो ये वापिस से वही चीज आएगा, यानी कि जो है इसमें फिर अपडेट हो जाएगा, क्या 10 अपडेट हो जाएगा, तो 12 की जगह फिर 10 आ जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं, देखिएगा 2715 है, तो यहां से अगर मैं इसे चला देता हूं तो ये तो चल गया, लेकिन अब पता कैसे चलेगा, तो यहां पे सेलेक्ट का यूज करेंगे तो हमें ये पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसे सेलेक्ट करेंगे और यहां से चला देंगे, तो चलाने के बाद आप देखेंगे 2715 में यहां पे 10 अपडेट हो गया है, ठीक है, यही था ना 2715, और देखिए राम नाम था इसका, तो यहां पर जो है 10 अपडेट हुआ है। लेकिन अगर मैं रोल बैक वापिस से चला देता हूं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आया मैं और यहाँ पे रोल बैक चला देता हूँ, तो ये वापस से ये रिवर्ट कर देगा उसी चीज को। देखिए यहाँ पे आए और रोल बैक चलाया, यहाँ पे गए और यहाँ से चला दिया, लीजिए ये फिर वापस वहीं आपको लेके आ गया। यानी रिवर्स जाने के लिए, पीछे जाने के लिए हम रोल बैक का यूज करते हैं, क्लियर है ना। और रोल बैक किस तरह का कमांड है, रोल बैक जो है TCL कमांड होता है, यानी ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो कमांड का नाम आपने पढ़ा होगा वो जो कमांड जो है उसके अंतर्गत ही आता है रोल बैक, ठीक है। और आपको यह भी पता चला होगा कि रोल बैक काम किस तरीके से करता है, प्रैक्टिकली आपने देख भी लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी कि रोल बैक को यूज कैसे करा जाए। और अगर आपको यह वीडियो समझ में आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है।